अगर आप इस स्कूल के बारे में स्पीच देना चाहते हैं चाहे 15 अगस्त के मौके पे हो चाहे 26 जनवरी के मौके पे हो चाहे एनुअल फंक्शन में हो या उदर फेस्टिवल में या उदर प्रोग्राम में हो अगर आप स्पीच देना चाहते हैं स्कूल के बारे में चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखें मैं आपके लिए यहाँ पर देखिए इंग्लिश में और जो है हिंदी में शॉर्ट स्पीच आपके लिए लेके आ गया हूँ कैसे बोलना है किस हिसाब से बोलना है कैसे लोगों के सामने बोलना है फिर आते समय क्या बोलना है हर चीज़ में आपको बताऊंगा तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप स्टेज में जाएंगे मैक पे जाएंगे वहाँ पे मैक में सबसे पहले आपको बोलना है गुड मॉर्निंग टू द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स टूडे आई विल स्पीक वन माई स्कूल से आप प्रोग्राम की स्टार्ट कर सकते हैं यानी आप जो स्कूल के बारे में जो भी स्पीच देंगे तो आपको शुरू में कुछ बोलना है तो ये आपको शुरू में बोलना है ठीक है उसके बाद में आपको बोलना है आगे में द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ सरस्वती विद्या मंदिर दरभंगा यानी मेरा स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर दरभंगा है तो आप क्या करेंगे सरस्वती विद्या मंदिर दरभंगा की जगह में आप अपने स्कूल का नाम लीजिएगा जैसे कि मानिए आपका स्कूल का नाम है इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया तो आप यहाँ पर बोलेंगे द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया इस प्रकार से आप बोलेंगे ठीक है उसके बाद आपको बोलना है इट इज़ ए बिग स्कूल यानी अगर आपका स्कूल बड़ा है तो आपको बोलना है इट इज़ ए बिग स्कूल इट हैज़ फाइव क्लासेस यानी इसमें पाँच क्लास है यानी अगर पाँच क्लास तक की पढ़ाई होती है तो फाइव क्लासेस टेन तक की पढ़ाई होती है तो टेंथ क्लासेस इस तरीके से बोलना है दे आर फ्रॉम नर्सरी टू फाइव यानी वे नर्सरी से पाँचवीं तक है अगर आपका स्कूल नर्सरी से पाँचवीं तक है तो बोलना नर्सरी से पाँचवीं अगर एक से दस तक है तो बोलना है वन टू फाइव अगर आपको दसवीं तक का क्लास है तो बोलना है नर्सरी टू फाइ टेन इस तरीके से आपको बोलना उसका है उसके बाद बोलना है इट हैज़ फिफ्टीन क्लास रूम्स इसके पास जो है पंद्रह रूम है यानी अगर आपके पास में पंद्रह कमरे हैं स्कूल में तो पंद्रह कमरा बोलना है अगर आठ कमरा है तो आठ कमरा बोलना है ठीक है इट हैज़ ब्यूटीफुल ऑफिस इट हैज़ ए ब्यूटीफुल ऑफिस इट हैज़ ए बिग लाइब्रेरी अगर आपके पास में लाइब्रेरी है तो इट हैज़ ए बिग लाइब्रेरी उसके बाद देखिए उस वक्त क्या बोलना है इट हैज़ ए बिग प्ले ग्राउंड इट हैज़ ए नाइस गार्डन मई स्कूल हैज़ फाइव हंड्रेड स्टूडेंट यानी अगर आपके पास में पाँच सौ बच्चे हैं तो बोलना है फाइव हंड्रेड अगर एक सौ बच्चा है तो वन हंड्रेड है ना इट हैज़ ट्वेंटी टीचर्स यानी यहाँ पर जो है आ, बीस शिक्षक हैं अगर बीस शिक्षक हैं तो ट्वेंटी टीचर्स अगर बारह शिक्षक हैं तो ट्वेल्व टीचर्स अगर पाँच शिक्षक हैं तो फाइव टीचर्स ठीक है ऑल द टीचर्स आर ऑनेस्ट सभी शिक्षक क्या हैं ईमानदार हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर गुड सभी बच्चे क्या हैं अच्छे हैं आई लक माई स्कूल वेरी मच इस तरीके से आप शॉर्ट स्पीच लोगों के सामने में दे सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं और आप हिंदी में स्पीच देना चाहते हैं तो आपको क्या बोलना है देखिए आपको बोलना है मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती विद्या मंदिर दरभंगा है तो सरस्वती विद्या मंदिर की जगह में आप अपना स्कूल का नाम लीजिएगा ठीक है जो भी आपका स्कूल का नाम है उसके बाद में यह एक बड़ा विद्यालय है इसमें पाँच कक्षाएँ हैं अगर पाँच कक्षाएँ रहेंगे तो पाँच कक्षाएँ अगर दस कक्षाएँ रहेंगी तो दस कक्षाएँ हैं वे नर्सरी से पाँचवीं तक है अगर नर्सरी से पढ़ाई हो तो आप पाँचवीं तक का तो नर्सरी से पाँचवीं लेना है अगर आपका पढ़ाई होता है नर्सरी से आठवीं क्लास तक का तो आप नर्सरी से आठवीं लेंगे ठीक है इसमें पंद्रह वर्ग शिक्षक हैं यानी पंद्रह वर्ग शिक्षक हैं अगर पंद्रह वर्ग शिक्षक अगर हैं सॉरी इसमें पंद्रह वर्ग कक्ष हैं अगर पंद्रह वर्ग कक्ष हैं रहेंगे तो पंद्रह वर्ग कक्ष बोलेंगे अगर आठ है तो आठ बोलेंगे इसमें एक सुंदर कार्यालय है इसमें एक बड़ा पुस्तकालय है समझ में आ रहा है आपको शायद पुस्तकालय का मतलब क्या होता है लाइब्रेरी ठीक है अगर आपके लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी बोलिएगा इसमें एक बड़ा खेल का मैदान है इसमें एक सुंदर बगीचा है अगर आपके स्कूल में बगीचा है तो बोलिएगा इसमें भी इसमें एक सुंदर बगीचा है वे मेरे विद्यालय में पाँच सौ छात्र हैं इसमें बीस शिक्षक हैं अगर आपके पास में बीस शिक्षक हैं बीस टीचर हैं तो बीस बोलिएगा पाँच हैं तो पाँच चार हैं तो चार जैसा है स्कूल में आपका शिक्षक रहेंगे वैसे बोलिएगा सभी शिक्षक ईमानदार हैं सभी छात्र अच्छे हैं मैं अपने विद्यालय को बहुत पसंद करता हूँ इस तरीके से आप जो है शॉर्ट स्पीच चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो आप आराम से दे सकते हैं और प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग है आपको इन्हीं शब्दों के साथ में करना होगा ठीक है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल ठीक है तो आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो मिलते हैं फिर एक और ज़बरदस्त भाषण के साथ में तो तब तक के लिए धन्यवाद